मुंबई के गड्ढे वर्ल्ड बुक में जा चुके हैं और उसके प्रमाण पत्र उनके जो सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स मिले हुए हैं। सबसे पहले मैं तो मुंबईकरों का धन्यवाद मानता हूँ कि जिन मुंबईकरों की वजह से मुझे आज ये मौका हासिल करने का मतलब एक मौका मिला हुआ है और इतने बहुत कम वक्त में ये चीज़ हमारी हासिल हो चुकी, जो हर साल बारिश में होने वाले रस्तों के गड्ढों की वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और इससे ये जो साइलेंट किलर का जो काम करने वाला बृहन्मुंबई महानगर पालिका है, ये बाज नहीं आता है। हमारी हर पार्टियां जो है बस इंटरटेनमेंट ही करते रहती है, जिससे इनको भी फर्क नहीं होता है, पार्टियों को भी नहीं होता, लेकिन जिन घरों के जो बंदे गए हुए हैं उस वजह से पेट नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने ये नया अभियान शुरू किया कि ये जो हमारे वर्ल्ड के जो 5 बुक है, गिनीज लिम्का गोल्डन, ये जो बुक है, ये बुकों में रजिस्ट्रेशन किया और मैंने मुंबईकरों का ऐलान किया कि आपके जितने भी रस्तों पे गड्ढे हैं उनके फोटोग्राफ्स भेजो। मैंने वेबसाइट ओपन की और वेबसाइट द्वारा इनसे मंगाई हुई फ़ोटो वीडियो जो है, ये मुंबईकरों ने नियर अबाउट 26,934 इतने गड्ढों की संख्या इन्होंने भारी मात्रा में 38 डेज में दी हुई है, और जिससे वर्ल्ड रिकॉर्ड ने एक्सेप्ट किया, इंडिया बुक ने एक्सेप्ट किया और गोल्डन का प्रोसेस है, जिन्होंने मुझे सर्टिफिकेट्स और मेडल दिए हुए हैं। आज मेरा ये कहना है कि कल मेरे अपने बीएमसी के जो कमिश्नर हैं उनको कल लेटर दिया मैंने कि ये जो ऐतिहासिक वास्तु है हमारी, जो बृहन्मुंबई महानगर पालिका है, ये सबसे बड़ी ऐतिहासिक वास्तु है। इसके अंदर जो गड्ढों का इतिहास है, जो आज ये मेडल के तौर पे मिला हुआ है, तो इसके सर्टिफिकेट लगाने के लिए मुझे कोई दालन दीजिए जिससे लोग उसका, इस ऐतिहासिक वास्तु का आनंद लें। अलग सवाल ये रहेगा, आप अपने रिकॉर्ड के लिए काम करते क्या? सबसे पहला तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि गड्ढे बुझाने, तो वैसे तो लाखों गड्ढे थे, दिन रात इनके पास बुझाने के लिए यंत्रणा थी, इनके पास मशीनरी थी, मैन पावर था, सब कुछ था। बुझाने का काम बृहन्मुंबई महानगर पालिका का है, वो बुझाएंगे, उसके साथ जो यंत्रणा जो है स्टेट ऑफ डी महाराष्ट्र का है, PWD का, MMRDA का है, जिनके भी रास्ते होंगे वो लोग बुझाएंगे। अब इसके अंदर मेरा स्वार्थ नहीं था, मेरा एक अभियान ये था कि जो अभियान से हर कोई सिटी के अंदर, ये हमारी मुंबई के अंदर ही गड्ढों की समस्या नहीं है, ये पूरी भारतवर्ष में है। ये भारतवर्ष में मेरा रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कोई ना कोई गुजरात से कोई करेगा या कोई अहमदाबाद से करेगा, वो रिकॉर्ड उनके शहर से वो लोग ब्रेक कर सकते, जिससे बहुत बड़ा दबाव तंत्र आ जाएगा, जिससे हमारा ये जितने भी इनके रिलेटेड जो भी यंत्रणा काम कर रही है, तो इसे स्टेट के ऊपर और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बहुत अच्छा खासा दबाव जिससे होगा। और इससे हमें कुछ ही करना नहीं है, हमें बस लोगों को जागरूक करना है, ये मुहिम के मेरा मेन मकसद था। लगता है आप कुछ होगा इसके बाद, जो स्टेप जो आपने लिए इस बुक रिकॉर्ड के बाद कुछ होगा, अब कुछ सरकार जागेगी? सरकार जागना चाहिए, और सरकार नहीं जगेगी तो जब तक गड्ढे मुक्त मुंबई नहीं होगी तब तक मेरा ये अभियान अलग अलग तरीके से चालू रहेगा। अक्सर सुना है कहीं बार देखा, रिलायंस मेट्रो तब भी कुछ कर रहे थे आप, पर गड्ढे के मुद्दे पर अक्सर कुछ ऐसे मुद्दे उठाते, क्या वजह है इसके पीछे कारण रखा? मुद्दे जो है, एक तो हर कोई बस ओल्ड पैटर्न पे ही चलते रहता है, और सबसे बड़ा तो पहले से लेके आज तक का एक इतिहास है, जिससे मुंबई बन, भारत बन, या दगड़ फेंक, या आग लगा देना है, या उपोषण करना है, इससे कुछ अलग ये नहीं होता है। ये थोड़ा यूनिक स्टाइल से जब करेंगे, क्योंकि हर कोई अभी एजुकेटेड है, हर किसी के पास उतना दिमाग है, और हर किसी के पास उतना वक्त भी नहीं है, और केसेस लेने की कैपेसिटी भी नहीं है, तो ये यूनिक टाइप से ही हम इसका हल निकाल रहे हैं, तो क्यों बाकी चीज़ों का सहारा ले रहे हैं? मीटू की भी चल जाते हैं कि मीटू भी बंद करा दो, इस पर भी आप कुछ किए थे? मीटू अभियान के बारे में मैंने, मीटू ये जो है ये बंद होना चाहिए, इसके लिए मैंने आवाज़ उठाई है। और दूसरा है ह्यूमन राइट कमीशन में मैंने उसके अर्जी की हुई है, जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारी राज्य घटना जो बनाई है, जिसके अंदर कायदा सुव्यवस्था जो लेडीज लोगों के बारे में सबसे ज़्यादा है, उनको सबसे बड़ा हथियार दिया हुआ है, लेकिन ये हथियार ये मीटू के माध्यम से इसका अपमान हो रहा है। ये हथियार जो अपना रहे ना, वो मीटू के माध्यम से हमारी राज्य घटना का अपमान हो रहा है। मैं तो बोलूँगा कि उनके ऊपर देशद्रोह का गुनाह होना चाहिए, जिन्होंने मीटू का अभियान का साथ लिया है।